जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यूज। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश रीजन के लोगों की लाइफ कैसी है। लाइंग इन द हार्ट ऑफ इंडिया, तो मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया का हार्ट स्टेट। अगर पूछ दे कि हार्ट ऑफ इंडिया किस इंडियन स्टेट को कहा जाता है, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि हार्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया के मध्य प्रदेश एकदम सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। जो मध्य प्रदेश है ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। तो देखिए, अब हम लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो लार्जेस्ट तो दो तरीक़ों से बोला जाता है, एक तो पॉपुलेशन से, एक तो एरिया वाइज। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ये स्टेट लार्जेस्ट है या छोटा है, तो कैसे इसको बोलते हैं? तो अगर दो तरीक़ों से बोला जाता है, एक तो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, एक तो जहाँ एरिया ज़्यादा हो, जहाँ रहने की जगह ज़्यादा हो। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है ये एरिया वाइज, मतलब रहने की जगह के हिसाब से हमारे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सबको लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। हम देखेंगे इट्स कैपिटल सिटी इज भोपाल। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है भोपाल। द स्टेट इज रिच इन ब्लैक सॉयल, यहाँ पे ब्लैक सॉयल पाई जाती है। गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो कि कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट है। तो ब्लैक सॉयल में क्या सबसे अच्छे तरीके से ग्रो होता है बेटा? वो होता है कॉटन। वीट, सोयाबीन एंड मिलेट्स आर ग्रोन हियर। और जो ईटिंग मटेरियल है, जो ईटिंग फूड्स हैं, उसमें कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप्स की एग्रीकल्चर होती है? तो वह है वीट, सोयाबीन और मिलेट्स। इट आल्सो फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड एट चंदेरी एंड महेश्वर। तो ये फेमस है हमारा मध्य प्रदेश कुछ और चीज़ों के लिए, जैसे हाथ से बने कपड़ों के लिए, हाथ से बने हैंडीक्राफ्ट के लिए, जो भी हाथ से कलाकारी की जाती है, हाथों से बनाए जाने वाले कपड़े हैं, उनके लिए भी हमारा मध्य प्रदेश फेमस है। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं। क्या है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज कितनी चीज़ों की? इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, टेली कम्युनिकेशन की भी है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं, साथ में फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश इज वेल नोन फॉर इट्स टेम्पल एट खजुराहो। तो ये मध्य प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल पाया जाता है, बहुत फेमस टेम्पल इंडिया का। क्या नाम है उसका? खजुराहो। याद रखिएगा, खजुराहो टेम्पल किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। खजुराहो टेम्पल किस स्टेट में है बच्चों? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। द मेजेस्टिक फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर एंड द बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची। और साथ में यहाँ पे मेजेस्टिक फोर्ट है जो ग्वालियर का, वो भी यहीं मध्य प्रदेश में है। साथ में सांची स्तूप भी बुद्ध की सांची स्तूप भी यहीं मध्य प्रदेश में ही है। द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश स्पीक हिंदी। तो मध्य प्रदेश के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बोलते हैं? वो है हिंदी। कान्हा एंड नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो दो यहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।